हाय जय माता दी, दिस इज कविता भक्तियानी। आज हम बनाएंगे यमी चॉकलेट वॉलनट डिलाइट। यस, वेरी यमी। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए कितना प्यारा लगता है। यस, हम बना सकते हैं एंड वील डू इट। सो लेट्स स्टार्ट। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये डिश बहुत ही जल्दी बन जाती है, यमी बनती है और इजी है। मैंने क्विक और इजी वे दिखाया है इसे बनाने के लिए। और मेरी टिप ऑफ द डे मत भूलिएगा एंड ऑफ द रेसिपी में। इसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट 200 ग्राम। मैंने नॉर्मल चॉकलेट लिया है, डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। अखरोट चाहिए हमें 150 ग्राम्स। खोया चाहिए हमें 100 ग्राम्स। बटर चाहिए 50 ग्राम्स। और गार्निशिंग के लिए चोको चिप्स और कंडेंस मिल्क 100 ग्राम्स। हम अखरोट को बारीक चॉप कर लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। पैन में पहले हमने बटर डालना है। बटर थोड़ा सा पिघल जाए तो हमने उसमें चॉकलेट डाल देना है। और हमें ये सिलिकॉन का स्पैटुला यूज़ करना है इसे घुमाने के लिए। और इसे अच्छे से हिलाते रहना है जैसे चॉकलेट थोड़ा मेल्ट हो जाए। ध्यान रखना है हमेशा इसको कंटिन्यूस हिलाते रहना है। अभी हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क डालने के बाद भी हमें इसे अच्छे से घुमाते रहना है। इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि ये नहीं तो नीचे लग जाएगा। और इसे हिलाते हिलाते हमने दो 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 3 मिनट तक हिलाते रहना है। उसके बाद हमने इसमें खोया ऐड करना है। ये भी पिघल जाएगा। चॉकलेट की हीट में सब फटाफट होता जाता है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। इट्स क्विक एंड ईजी रेसिपी, सो डोंट मिस इट। उसके बाद हम इसमें वॉलनट ऐड करेंगे जो हमने बारीक काट के रखा है। उसमें से हम थोड़े से वॉलनट रख देंगे जो हमें गार्निश के लिए चाहिए होंगे। अब इसे हमने मिक्स करते रहना है। करीबन 1 या 2 मिनट तक उसे कंटिन्यूस चलाते रहना है, चलाते रहना है। और जब ये साइड्स छोड़ दे तो आपको लगेगा कि ये रेडी हो गया है। और उसके बाद हमने इसे एक यूटेंसिल में, डब्बे में, या आपको ट्रे है तो उसमें क्लिंग रैप डाल के इसे सेट करने के लिए रख देना है। और हमने इसे गार्निश कर लेना है अपने चोको चिप्स और वॉलनट जो हमने बारीक कटे हुए रखे हैं। पहले इसे ये क्लिंग रैप लगा के हमने डाल देना है जैसे हमारे निकालने में हमें तकलीफ़ नहीं हो। और इसे हमने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही फ्रिज में रख देना है थोड़ा सेट करने के लिए। ये बहुत ही यमी बनता है, टेस्टी बनता है। इसे ऐसे गार्निश कर दीजिए चोको चिप्स और वॉलनट के कटे हुए वॉलनट से। सो कीप ट्राइंग माय डिशेस और मुझे बताइए आपको कैसी लगी मेरी डिशेस। ये सेट हो जाने के बाद आप इसे निकाल के पीसेस में कट कर लीजिए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए मैंने ऐसे सेट करके रखा है। मैंने नीचे इसमें से कोकोनट का भी थोड़ा चूरा डाला है, उसके ऊपर मैंने इन सब को रख दिया है। यू कैन ईट इट एनी टाइम व्हेन यू लाइक इट। इसे बनाने के लिए करीबन 15 या 20 मिनट टोटल लग जाते हैं। सो मेक इट एंड इन्जॉय इट। अगर आपको मेरी डिशेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टिप ऑफ द डे, जब भी आप चॉकलेट का कुछ भी बना रहे हैं तो उसको प्लीज़ सिलिकॉन स्पैचुला से ही हैंडल कीजिए। उससे बहुत ही आसानी हो जाती है उसको हैंडल करने के लिए। सो कीप वॉचिंग माई डिशेज। This is Kavita Bhaktiani. I'll be back soon with new dishes with some twist and some fusion. Enjoy. Jai Mata Di. Take care.